एवरीवन एंड वेलकम टू पेट कोडिंग। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या इंग्लिश बहुत जरूरी है आपके इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए, आपको अच्छी कंपनीज में प्लेस कराने के लिए। तो अगर हम बात करें, देखो यार, आजकल कॉलेज खत्म होते ही बच्चे चाहते हैं कि हम लोग एक बड़ी बड़ी एमएनसीज में प्लेस हो जाएं, अच्छी कंपनी में काम करें। तो अगर आपको अच्छी बड़ी बड़ी एमएनसीज में प्लेस होना है तो इंग्लिश इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, इंग्लिश आना जरूरी है। अब आप पूछोगे कैसे? सी गाइस, अगर हम एमएनसीज की बात करें तो अगर हम सर्विस बेस्ड कंपनीज ले लें या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ले लें, वट एवर इट इज, कुछ ऑफिसेज आपके इंडिया में काम कर रहे होते हैं उन कंपनीज के, कुछ ऑफिसेज होते हैं जो फॉरेन में काम कर रहे होते हैं, आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे होते हैं। तो अगर आपको बाहर की टीम्स से, बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करना है तो आपको इंग्लिश आना मैंडेटरी है, क्योंकि इंग्लिश को एक ऐसा कॉमन ग्राउंड बना दिया गया है जिससे आप इजीली कम्युनिकेट कर पाओ दूसरे लोगों के साथ। अदर देन दैट, कुछ क्लाइंट्स होते हैं कई कंपनीज के जो बाहर ही होते हैं, लाइक जो फॉरेन में ही रहते हैं, तो आपको उनसे कम्युनिकेट करना है, उनकी डिमांड जाननी है, उनको बताना है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है या आप जो भी चीज़ उनको एक्सप्रेस करना चाहते हो। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप नहीं कर पाओगे। अदर देन दैट, अगर हम स्पेसिफिकली इंटरव्यूज की बात करते हैं तो इंटरव्यूज में क्या होता है, इंटरव्यूज में भी आपसे कोई हाई लेवल इंग्लिश की डिमांड नहीं करते, आपके वहाँ पे ग्रामर, टेंसेस ये सब चेक नहीं होते। आपसे व्हाट इंटरव्यूज डिमांड है कि क्या चाहते हैं इंटरव्यूज, इंटरव्यूज चाहते हैं कि आपको इतनी इंग्लिश आए कि आप उनकी बात को समझ पाओ, उनकी बात को समझ कर आप इजिली सही आंसर, जो सही वे में अपने थॉट्स एंड आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाओ। अब मैं बात करूंगी उन स्टूडेंट्स की जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं बट उनको इंग्लिश नहीं आती, उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है। तो इन माय ओपिनियन, अगर आप मेरा सजेशन लो तो इंग्लिश सीखना इज मैंडेटरी फॉर यू एज वेल। क्योंकि अगर हम बात करें, आजकल सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आप जावा, C++, पाइथन, रूबी, एनीथिंग, आप कुछ भी ले लो, हर लैंग्वेज का जो डेटा जो आप लिखते हो, जो टाइप करते हो, वो सब कुछ इंग्लिश में स्क्रिप्टेड होता है। अदर देन दैट, जो टेक्निकल टर्म्स आप यूज करते हो, जो जार्गन्स आप यूज करते हो थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग, वो सब इंग्लिश में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ फंक्शंस की बात करें, जैसे गो टू फंक्शन, तो गो टू का अगर आपको लेमैन मीनिंग नहीं पता है, इंग्लिश का जो टर्म है, तो आपको नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली ये क्या करेगा, आपको याद करनी पड़ेगी चीजें। ऐसी सिमिलर टर्म, जैसे सिमिलर फंक्शन, जैसे कि कीबोर्ड डॉट प्रेस हो गया और एंटर हो गया, जैसे इसमें कीबोर्ड डॉट प्रेस में हमें पता है कि हम एंटर कर रहे हैं। अदर देन दैट, कई फंक्शन होते हैं जैसे वेट फॉर सेलेक्टर, तो ये सारे फंक्शंस का अगर आपको लेमैन मीनिंग पता होगा तो आपको कोडिंग करने में इजी होगा। अब मैंने आपको इंग्लिश के फायदे बहुत सारे बता दिए, उसके यूजेस बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले, इन माय ओपिनियन, मेरे हिसाब से अगर मैं इंग्लिश सीख रही होती या मेरे को सीखनी होती इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश को एंटरटेनमेंट के हिसाब से सीखती। आपको पता है यार, आजकल आप नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार, ये सब बहुत यूज़ करते हैं। हम लोग बहुत बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं टीवी शोज़ पे, टीवी शोज़ देखने में, सीरीज देखने में। तो अगर हम ट्राई करें कि हम सारी की सारी चीज़ें हम इंग्लिश में देखें, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिससे आप सुनकर आप इंटरेक्ट कर सकते हो, आपको वर्ड्स समझ आएंगे कि क्या बोल रहे हैं। अगर आपको कई वर्ड्स उसमें दिखें तो आप उसमें से समझ सकते हो कि हाँ, ये वर्ड कहाँ यूज़ हो रहा है, आप उसका मीनिंग देख सकते हो। इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज करेगी। तो यार, आपको टीवी शोज देखने से, इंग्लिश टीवी शोज देखने से आपको इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी, इंग्लिश समझनी ज़रूर आ जाएगी, बट जब तक आप इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप इंग्लिश प्रैक्टिकली बोल नहीं पाओगे। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बोलूँगी इज ट्राई टू कम्युनिकेट इंग्लिश। आप कोशिश करो कि आप जितनी भी बात करो, किसी से भी बात करो, स्टार्टिंग में ज़रूर आपको थोड़ा नर्वसनेस लगेगा, गलत होगी इंग्लिश, कई लोग आपको बोलेंगे कि तुम ग्रामेटिकली गलत हो या ऐसी चीज़ें बोलेंगे आपको, बट ऐसा नहीं है। आपको इससे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बेनिफिट होगा। मैंने भी जब इंग्लिश प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था तो मैंने भी यही चीज़ इंप्लीमेंट करी थी अपनी लाइफ में, कि मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी बिल्कुल बोलनी, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब मैं इंग्लिश डेली अपने फ्रीक्वेंट यूज में प्रैक्टिस कर रही थी, बात करने की कोशिश कर रही थी लोगों से, तो चीज़ें पता चलती हैं कि आप कहाँ गलत हो रहे हो और कहाँ सही हो रहे हो और कहाँ चीज़ें आपको अपनी इंप्रूव करनी है। अदर देन दैट, तीसरा पॉइंट है ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। अगर हम बात करें सोचने की, तो अभी आप सोचते हो यार मैं ये करूँगा, तो अब क्या सोचना है, जस्ट थिंक कि हाँ आई विल डू दैट। तो आपके इससे इंटरेक्शन इंक्रीज होगी, आपका दिमाग में भी इंग्लिश थॉट्स आएंगे, इंग्लिश चीज़ें आप सोच पाओगे। फोर्थ पॉइंट मेरा इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि आप डेली कोशिश करो कि एक नया वर्ड सीखो, एक नए वर्ड को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इससे देखोगे तो आपकी इससे वोकैबुलरी भी इंक्रीज करेगी, आपको पता चलेगा कि हाँ ये वर्ड का मतलब ये होता है और हम इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अदर देन दैट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे उन चीज़ों को, तो वो कुछ नहीं हो सकता।
मिरर के सामने खड़े हो और प्रैक्टिस करो कि हाँ मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, मैं ट्राई कर सकती हूँ, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करेगा और आप किसी के सामने इंग्लिश बोलने से नहीं डरोगे। एट लास्ट इन माई ओपिनियन इंग्लिश आजकल की रिक्वायरमेंट है, उसे आप अपनी स्किल बनाओ, उससे बोझ समझ कर पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश कभी नहीं आएगी। जस्ट ट्राई टू लर्न इन इंग्लिश। थैंक यू।